नमस्कार। बहुत दिनों बाद मैं आज दोबारा आप सभी के सामने आई हूँ और भगवान से ये प्रे करूंगी कि आप सभी लोग अपने फैमिली मेंबर्स लोगों के साथ सुरक्षित रहें। अभी जो कोविड का प्रॉब्लम चल रहा है उससे आप लोग बच के रहें और स्वस्थ रूप से अपने फैमिली मेंबर्स लोगों के साथ अपना जो लाइफ है उसे अच्छे से बिताएं। मैं आज आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जो टॉपिक बहुत दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे भी एक ब्लॉग बनाऊं और अपनी जो मन की फीलिंग है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं। बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रहा था, सेल्फ लव क्या होता है। हम लोग जो कहते हैं ना कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है, अगर आप अपने से प्यार नहीं करेंगे तो आप बाकी किसी से भी प्यार नहीं कर पाएंगे। क्या ये क्वेश्चन जो मेरे मन में आया है कभी आपके दिमाग में भी आया है कि ये सेल्फ लव क्या चीज है, क्या होता है? मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन हमेशा घूमता है कि व्हाट इज सेल्फ लव। मैंने इसके लिए बहुत बार सोचा कि मैं आप लोगों से इस बारे में बात करूं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है जो मैं सोचती हूँ कि सेल्फ लव का मतलब है कि पहले अपने आप को आप इम्पोर्टेंस दें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे हस्बैंड अगर मुझे ये दें तो मैं खुश हो जाऊंगी, या मेरा बॉयफ्रेंड अगर मुझे ये दे तो मुझे अच्छा लगेगा, या मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अगर इस तरह से ट्रीट करे या मेरी वाइफ मुझे इस तरह से ट्रीट करे तो मैं बहुत खुश रहूंगा। मेरा बात है कि अगर हम लोग दूसरों से अपनी खुशी की एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हम अपने लिए कभी मन से खुश नहीं हो पाएंगे। अपने मन की खुशी के लिए हमें अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए, अपने आप को पहले प्यार करना चाहिए, पहले अपने से हम क्या खुशी पा सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। एंड आई थिंक वही होता है सेल्फ लव। मेरे हिसाब से जिस काम को करने के बाद आपको बहुत अच्छा लगे, आपके अंदर एक अच्छी सी खुशी वाली फीलिंग्स आए, वो चीज आपको ज्यादा खुश करेगी। और जब वो चीज आपको ज्यादा खुश करेगी तो ऑटोमेटिक आप भी अपने आप को खुश खुश रखेंगे, अपने आप को प्यार करेंगे। एंड आई थिंक वो होता है सेल्फ लव। मैं मोटी हूँ, मेरा जो फिगर है वो इतना अच्छा नहीं है, तो लोग मुझे कभी कभी मेरे अटायर के ऊपर, मेरे ड्रेस को लेके बोलते हैं, मोटी कहीं की, जंबो कहीं की। तो कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ये सब ड्रेसेस ना पहनूं जिससे लोग मेरे मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं। फिर मैं सोचती हूँ क्यों नहीं पहनूं। जिस चीज को पहन के, जिस ड्रेस को पहन के मुझे अच्छा लगता है, जो चीज करने में मुझे अच्छा लगता है, मुझे वो करना चाहिए। मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है और मैं किस तरह से किस चीज को कैरी करती हूँ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों की बातों का तो मुझको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। और ये जो अपने फिगर को प्यार करे, अपने आप से जब हम प्यार करना शुरू करेंगे तो ही सेल्फ लव होगा। जब आप पतले हैं या मोटे हैं या काले हैं या जैसे भी हैं, उन चीजों को बिना केयर करे, अब जैसे हैं वैसे ही अपने आप को प्यार करें, वही होता है सेल्फ लव। और सेल्फ लव के लिए ये बहुत जरूरी है कि दिन में सब काम के बाद आप अपने आप को आधा घंटा पैम्पर जरूर करें। और ये पैम्पर करने के लिए क्या जरूरी है? ऑब्वियसली कुछ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स आपको खुशी भी देगा और आपको पैम्पर भी करेगा। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैंने एकदम एक रूटीन बना लिया था कि मैं कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगी जिससे मेरा स्किन खराब हो जाए। और मैंने अपने आप को एज ए वेरी गुड मतलब गर्ल के तरह एकदम अपने आप को ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स के अंदर में ही रख दिया था। मैंने ममा अर्थ के कुछ प्रोडक्ट्स जब लॉकडाउन खुले फटाफट मंगवाए और कोशिश किया कि मैं सिर्फ उन्हीं को यूज करूं। एंड सच्ची में ये मैं कोई अपने प्रोडक्ट्स का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये कोई भी प्रमोटेड कोई वीडियो नहीं है, ये मेरा गौरीज वर्ल्ड का अपना खुद का ब्लॉग है। और मैं जो चीज यूज करती हूँ और जो चीज से मुझे रिजल्ट अच्छा मिलता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। मेरे ऐसे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बाद में पूछते हैं कि ये कैसा प्रोडक्ट है,
ये कहाँ मिलेगा, मैं उनके साथ इस बारे में खुल के बातचीत भी करती हूँ। तो मैं फिलहाल पिछले 4 महीनों से सिर्फ ममा अर्थ के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज कर रही हूँ, एंड आप शायद मेरे स्किन में थोड़ा सा डिफरेंस देख पाएंगे कि पहले से मेरा स्किन बहुत अच्छा हुआ है। जितने भी दाग एंड ब्लेमिशेस मेरे चेहरे पे आई थी बहुत हद तक कम हुए हैं। तो वो क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ममा अर्थ के जो मैं यूज कर रही हूँ, वो वही प्रोडक्ट्स आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो जो पहला प्रोडक्ट है वो है ममा अर्थ का विटामिन सी फेस वॉश। ये फेस वॉश विद विटामिन सी एंड टर्मरिक है, एंड इसको यूज करने से स्किन में एक ग्लो आता है। साथ ही साथ ये एकदम हर्बल है, एंड सबसे बड़ी बात ये ममा अर्थ इंडियन कंपनी है, क्योंकि आजकल हम लोग कुछ भी बाहर का प्रोडक्ट यूज नहीं करने का हम लोगों ने जब फैसला किया है, तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ममा अर्थ का प्रोडक्ट जरूर यूज करें। ये इंडिया बेस्ड है एंड ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन को सभी प्रकार के दाग धब्बों से दूर रखता है। अप्लाई अ स्मॉल अमाउंट ऑन वेट फेस एंड जेंटली मसाज विद योर फिंगर टिप्स इन अ सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा चाहिए और इसको सर्कुलर मोशन में आपको अपने पूरे फेस में अच्छे से रब करना है। कंसेंट्रेट ऑन फोरहेड नोज एंड चिन, यहाँ यहाँ एंड यहाँ। रिंस ऑफ विद वॉटर, अच्छे से इसको धो लीजिए एंड सुखा लीजिए। और ये जो है ये धीरे धीरे आपके चेहरे में जो फाइन लाइंस हैं, आपके पिगमेंटेशन है, इन्हें दूर कर देता है। तो ममा अर्थ का जो ये विटामिन सी फेस वॉश है इसे यूज कीजिए। मैं भी कर रही हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं यूज कर रही हूँ वो है ममा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम। ये फेस सीरम जो है विद नियासिनमाइड एंड जिंजर एक्सट्रैक्ट है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये एक्नी मार्क्स और जितने भी स्कार्स आपके फेस में है या गले वगैरह जहां भी है, ये उसे धीरे धीरे कम कर देता है। मैं ऑलरेडी इसको यूज कर रही हूँ, ये मैंने नया पैक खरीदा है और ये मैं इसको यूज कर रही हूँ। मैं हर रात को एंड सुबह नहाने के बाद अपने स्किन में सबसे पहले इसको लगाती हूँ। इसको जस्ट आपको 2-3 ड्रॉप अपने फेस में देना है। ये एकदम सीरम लिक्विड ऐसा है और उसके बाद अच्छे से पूरे फेस में इसको मसाज कर लेना है। मसाज करने के बाद आप ऑटोमेटिक देखेंगे आपके स्किन में एक ग्लो आ जाएगा। तो फेस वॉश के बाद मैं यूज कर रही हूँ स्किन करेक्ट फेस सीरम। जिन्हें मेरे तरह मैसिव पिंपल्स होते हैं, एक्नेज होते हैं और जो अपना दाग छोड़ देते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो लोग जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है एंड जिनके चेहरे में काले काले दाग रह जाते हैं, वो ये सीरम जरूर यूज करें। मेरा ऑलरेडी खत्म होने वाला है एंड मुझे इससे बहुत अच्छा फायदा मिला है। मैंने जब से ये प्रोडक्ट आया है मैं सिर्फ सुबह नहाने के बाद इसी को ही लगाती हूँ। तो ये जरूर यूज करें। क्या है ये? ममा अर्थ का स्किन करेक्ट फेस सीरम। इसका प्राइस भी ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 599 एंड फेस वॉश का प्राइस है यहाँ पे 249। तो ये दोनों चीजें जरूर यूज करें। एंड फाइनल चीज जो मैं हर रात को अपने फेस में लगाती हूँ वो है ममा अर्थ का विटामिन सी स्लीपिंग मास्क। इसका भी प्राइस ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस है 599 एंड ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं इसको जब से मैंने खरीदा है मैं इसे रोज रात को लगा रही हूँ एंड इसमें जो है कोई भी केमिकल नहीं है। इसको जब आप रात को सोएंगे इसको लगाकर फिर सुखाओ फिर उठाओ, ऐसा कोई झंझट या झमेला नहीं है। सिर्फ अपना फेस को अच्छे से साफ कीजिए इस फेस वॉश से, इस सीरम को लगाइए एंड आफ्टर 10 या 15 मिनट्स बाद इस ममा अर्थ के विटामिन सी स्लीपिंग मास्क को लगा के आप सो जाएंगे। सुबह ठंडे पानी से अपने फेस को धो लीजिए, आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपके स्किन में जितने भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि आज का ये ब्लॉग किस चीज के ऊपर था। फर्स्ट थिंग, अपने आप से प्यार कीजिए, सेल्फ लव। किसी दूसरे के ऊपर अपनी खुशी के लिए डिपेंड मत रहिए। जो चीज आपको खुशी दे, आपको मन में एक अच्छा अच्छा वाला फीलिंग्स लाए, वो चीज आप जरूर करिए। एंड दूसरा, हर दिन अपने आप को पैम्पर जरूर कीजिए। अगर सेल्फ लव करेंगे तो अपने बॉडी को वैसे ही प्यार कीजिए जैसा आपका बॉडी है। हाँ,
कोशिश कीजिए कि वो और अच्छा हो जाए। जैसे मैं मोटी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी पतली हो जाऊँ, जो कोशिश मैं करती रहती हूँ लेकिन अभी तक हो नहीं पा रही हूँ। एंड दूसरा, अपने आप को जितना हो सके पैम्पर कीजिए। ये प्रोडक्ट्स मामा अर्थ के हैं जो मैं रोज यूज कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको कोई स्पॉन्सर के लिए यहाँ पे आपके सामने नहीं लाई हूँ। बस इतना है कि ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग को जो भी प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं या जो सूट करते हैं, आप उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं देना चाहती हूँ आप लोगों के साथ आज सामने बैठ के, वो मैं दे पाई हूँ। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल गौरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ दोबारा अपने किसी नए ब्लॉग में कुछ नया लाके। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ।